हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। वो देखिए, सुबह के बजे हुए हैं 7 और हम मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से अपना ब्लॉग शुरू, क्योंकि आज जाएंगे बच्चे स्कूल में। वैसे तो 2-3-4 यानी कि 5 दिन की इन्होंने छुट्टी मार ली, आज 6ठा दिन है, तो आज तो जाना ही है जरूर। तो बच्चों को तो सबको नहला दिए हैं, पूजा पाठ भी हमारी हो चुकी है, मैंने धोया सिर, और दिन है आज बुधवार। तो देखिए दीदी भी उठी और रो रही, और सब बच्चे तैयार हैं, मिष्टी और मिकी देखिए सारे लाइन से बैठे। आ तो लड्डू भी स्कूल में जाएगा विदाउट ड्रेस, है ना? ठंडा है। और मिष्टी को मैंने दूध दिया है और मिकी को भी। और ये है आर्या की अब जाता क्या ठीक है, और रिद्धि भी अब बहुत ठीक है, बहुत वरना रिद्धि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ए रिद्धि क्या हुआ? देखिए ए इधर से ना दिखती रिद्धि, देख इधर से देखिए। हाँ ये रही रिद्धि जुबाई ले रही, देखिए ए रिद्धि हेलो करो। दूध मिठाई तो हो अभी दे रही, और बच्चों ने बैग भी लगा लिए हैं। और अब ना अब करती हूँ मैं कंघा करने के बाद में मुझे छत पे भी जाना है, क्योंकि रात सोए थे हम छत पे मच्छरदानी लगा के, तो वो सारा जो ऐसे ही पड़ा है खाट और बिस्तरा इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि बंदर आ जाएंगे। मैं सोच रही बच्चों को स्कूल में भेज के फिर जाके ऊपर का सारा काम खत्म करूं। देखिए दीदी के साथ मीनाक्षी बात कर रही, रो रही थी वो, ये भी उठी ना तो सब भूख लग रही, उसके लिए दूध कर रही। क्या बोल, तो देखिए इधर ये लेट रहे अभी खेत में से आए घास काट के, देखिए कैसे लेट रहे, गर्मी लग रही तो मगर थोड़ा आराम कर लो, फिर नहा लियो, फिर चाय पी लियो, और चाय भी बनानी है अभी, नाश्ता मतलब नाश्ते में और कुछ नहीं, नमक के पराठे बनाए हैं और चाय, तो चाय तो खत्म होगी क्योंकि थोड़ी ही बनाई थी, अब दोबारा से बनानी पड़ेगी। चाय तो थोड़ी थोड़ी करके ही बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाती है तो फिर वो ज्यादा टाइम की खराब हो जाती है, तो जितनी भी नहीं होती है चाय तो इतनी ही बना लो। तो बच्चों को तो दूध दे दिया, तो चलिए अब ना मैं बच्चों को भेजते हैं। टाइम हो चुका है 7 बज लिए, 7:30 का हमारे बच्चों का स्कूल है। और चलिए देखिए अब ना बच्चे तो स्कूल में जा चुके हैं, और मैं आई हूँ छत पे, जो ये हमारा बिस्तरा पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो इसे इकट्ठा करके रख दूँ। चलिए अब ना ऊपर का तो मैंने कर दिया, और अब चलती हूँ नीचे, नीचे का काम पड़ा है अभी ऐसे ही, सारा टोटल जितना होता है चाय नाश्ते के बाद में वो सारा ख़त्म करना है, क्योंकि मैं और मीनाक्षी ही है आज और रहेंगे भी। रितु जाने लगी है स्कूल में पढ़ाने के लिए, गांव का ही स्कूल है, जोन से स्कूल में
लड्डू मतलब बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में, रीतू गई है पढ़ाने और मम्मी यहाँ है नहीं, मम्मी जा रही है, मम्मी के मौसी की। तो देखिए अभी तो सारे को बहुत गंदा हो रहा, जैसे कि स्कूल में से जब स्कूल में बच्चे भेजते हैं ना उसके बाद का जो हालत होती है घर की, आज मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी हालत होती है। और ये ठीक करने में ना चौका से एक घंटा लगने वाला है, ज्यादा मीनाक्षी को भी नहीं काम को कह सकती क्योंकि उसका छोटा बेबी है, और जो कहेगा जो भी घर के सदस्य है वो मुझे कहने वाले हैं कि ये काम नहीं हुआ खत्म और ये नहीं हुआ, क्योंकि मैं ही हूँ ना बस सब। अब देखिए सारे तो रसोई में भी बहुत गंदा हो रहा, चायदान भी ऐसे चाय उगली पड़ी है, हबड़ सबड़ करके गई है ना, मतलब करा है ना अब तक। तो चलो भाई लगते हैं। और देखिए मौसम बदल गया, ठंडा मौसम हो गया, बस ऐसे ही है वो, जा बारिश आती नहीं, ठंडा मौसम तो हो गया, बारिश के भी चांस है आज होने के, बादल बहुत अच्छे हो रहे। और मैं ना रिद्धि को लेकर ऊपर आई, इसे बोल रही मगर चल ऊपर छत पे ताजी हवा खाएंगे, पंखे की तो रोज ही खा रही, दूध उबल गया, ये तो उबलता ही रहा, कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं कोसे कमी रखूँ उबल ही जाता है। तो चलिए देखिए अब रिद्धि से भी मिल लीजिए, या सो नहीं रही, मैं से बोल रही सो जा बेटा सो जा काम कर लूंगी, इसकी मम्मी कपड़े निकाल रही पानी में को, तो मैं से बोल रही चल तुझे ऊपर ही दिखा कर लाऊं मौसम कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा मौसम। हमारी रिद्धि की तबीयत ऐसी है, आज थोड़ी ठीक सी लगी अब फिर ऐसे ही रो रही, पता नहीं फिर चढ़ेगा क्या इसे बुखार, रेगुलर दवाई तो दे रहे, पर धीरे धीरे आराम ही लगेगा। देखिए बादल हो रहे ना, बरसने वाले बादल हो रहे, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही, ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश हो रही होगी। आज जो बारिश आई ना पक्का नहाऊंगी, हर बार रह जाती हूँ कि नहाऊंगी नहाऊंगी, बारिश से इतनी आती नहीं नहाने वाली, बच्चे नहा लेते हैं बस। मैं ना नीचे चलते हैं, रिद्धि भी चलेगी और रिद्धि को मैं सुहाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कहा बेटा सो जा, सो जाएगी तो फिर मैं काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी। देखिए मीनाक्षी फटाफट पानी मेरे को निकाल दे क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं कर सकते, हवा चलने के बाद में बारिश तो आती नहीं, हवा ही चलती है और हवा जैसे चलती है तो लाइट चली जाती है। सो जा। दीदी सो जा, अपनी मम्मा को देख रही कपड़े निकाल रही ना वो सामने ही उधर से नहीं दिखेगा तो उसे देख रही, ए रिद्धि सो जा, इसे दवाई दे दी थी बुखार की, दवाई दे दी थी।